हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आप सभी लोग चाहे एक ऑफिस में काम करते हैं या आप अपने लिए काम करते हैं या कोई आपकी कंपनी है, तो कभी कभी क्या हम लोग को हमेशा कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि फीट को इंच में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, और ऐसे ही बहुत सारे कन्वर्जन जो आपको नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल के अंदर कन्वर्ट फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया कि इस वीडियो में हम कन्वर्ट फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब कन्वर्ट का मतलब यहाँ पे, यह देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट दिए हुए और कोड दिए हुए हैं। जैसे मीटर को हम एम से डिनोट करेंगे, इंच को आईएन से, फुट को एफटी से, ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, किलोग्राम को गेची से, फारेनहाइट को कैपिटल एफ से, सेल्सियस को सी से। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कन्वर्ट करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, कन्वर्ट क्वांटिटी और कन्वर्ट यूनिट। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास शुगर है, चीनी है, 500 किलोग्राम है और इसको ग्राम में बदलना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किलोग्राम को ग्राम में बदले हैं, तो यहाँ 500,000 ग्राम दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर कोई है, फारेनहाइट में है 98.6, हम इसको सेल्सियस में बदले हुए हैं यहाँ पर। वैसे ही डे को हम लोग हावर्स में बदले हैं यहाँ पर, या डिस्टेंस को, ये 1 किलोमीटर को फीट में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं सारे को एक एक तो कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा और आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं आसानी से। चलिए, मैंने कर दिया यहाँ पे डिलीट। अब हमें क्या काम करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किलो, ये है 500 किलोग्राम है और इसको ग्राम में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे कन्वर्ट, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो नंबर के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर कामा, और फिर ये ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्राम यूनिट मांग रहा है, किस यूनिट में है, तो ये मेरा केजी में है। तो जो भी हम यूनिट को टाइप करेंगे डबल यूनिटेड कामा के अंदर, यहाँ पे टाइप करेंगे केजी, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर सिंगल कामा, फिर डबल यूनिटेड कामा। अब हमको किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, जी टाइप करेंगे, फिर डबल यूनिटेड कामा बंद, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर कर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा ये ग्राम में बदल गया। मान लीजिए क्लॉथ कपड़ा है, 10 मीटर है और इसको मुझे फीट में बदलना है। इसके लिए फिर हमें फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कन्वर्ट, कोष्टक लगाएंगे, मीटर नंबर दे रहा है, नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर सिंगल कामा, फिर डबल यूनिटेड कामा, और किसमें है, एम में है, फिर डबल यूनिटेड कामा लगाने के बाद किसमें कन्वर्ट करना है, फीट में, तो एफटी कोड होता है, कोष्टक बंद करने के बाद इंटर। वैसे ही फारेनहाइट है, फिर से हमें फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू कन्वर्ट, कोष्टक लगाएंगे, नंबर दे रहा है, नंबर पर क्लिक कर लेंगे, कामा, डबल यूनिटेड कामा के अंदर यहाँ पे अच्छी ध्यान रखना है, इसको हम कैपिटल एफ प्रेस करेंगे, फिर डबल यूनिटेड कामा बंद, फिर सिंगल, फिर डबल यूनिटेड, फिर कैपिटल सी, फिर डबल यूनिटेड कामा लगाएंगे, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा आराम से सब आ रहा है। मैं एक आठ और लास्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, इसको मुझे 1 किलोमीटर को फीट में बदलना है, फिर यहाँ पे इक्वल टू नंबर पे क्लिक करेंगे, कामा लगाएंगे, डबल यूनिटेड कामा केएम, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे फीट को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल टू कन्वर्ट, कोष्टक लगाएंगे, फिर नंबर पे क्लिक करेंगे, कामा एफटी और इंच। चलिए डे को भी कन्वर्ट करके एक बार देख लेते हैं, इक्वल टू कन्वर्ट, कोष्टक लगाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, कामा, डबल यूनिटेड कामा। अब ये फ्रॉम यूनिट किसमें मांग रहा है, किसमें है, डे में है, तो यहाँ पे डे टाइप करेंगे डबल यूनिटेड कामा के अंदर, फिर सिंगल कामा, फिर डबल यूनिटेड कामा, किसके अंदर बदलना है, आवर के अंदर। आवर का यहाँ पे आप कोड देख रहे हैं, HR दिया हुआ है, तो HR टाइप करेंगे, फिर डबल नोटेड कामा बंद, कोष्टक और इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको या जो भी फार्मूला हमने बताया आपको समझ में आया होगा। और अगर आप जब भी किसी भी नए टॉपिक पर चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम वीडियो जरूर उस पर